एक बहुत बड़े गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वह बहुत ही खुश थे और बड़े ही प्यारे थे और वह बस अब बहुत ही मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। और वहां एक पास ही में एक जंगल था, वहां बहुत सारे जानवर भी रहते थे और उन जानवरों की रक्षा करने के लिए एक चुड़ैल भी। और उसी जंगल में एक लकड़हारा रहता था। अपनी माँ और पत्नी के साथ वह बहुत ही लालची था। वह किसी की बात नहीं मानता था और वह जंगल में रोज ही लकड़ियाँ काटने जाया करता था। एक शाम की बात है, वह ऐसे ही लकड़ियाँ काटने जा रहा था और बहुत ही शाम का वक्त था जब वह लकड़ियाँ काट रहा था और दूर से उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वह चुड़ैल ने उसे मारने की सोची थी और वह जब लकड़ियां काट कर घर जा रहा था, काफी अंधेरा हो गया था और वह बहुत डरते डरते जा रहा था। लेकिन वह बोलता है, ऐसे ही लोग बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और अचानक वह रुक जाता है और उसके सामने से एक चुड़ैल आती है और वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन वह कहता है, कौन हो तुम, यहाँ से चले जाओ, मुझे लकड़ियाँ ले जाने दो। वो बोलती है, ये मेरा जंगल है, यहाँ से मैं लकड़ियाँ नहीं ले जाने दूंगी। और वह तभी उस पर एक अचानक बिजली गिरा देती है और वह वहीं मर जाता है। और तब वह चुड़ैल उसे उसके घर छोड़ जाती है, उसकी माँ और पत्नी के पास, और वहाँ से चली जाती है। और वह पति और माँ उसकी बहुत रोती है और बाद में उसका संस्कार करके वह शहर में चले जाते हैं। वो कैसी लगी मेरी स्टोरी, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।